नॉर्मलाइज्ड स्ट्रेंथ्स कल हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और काफी होप सो मैंने बहुत ही अच्छे से लेके गया उस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कशन किया। हमने ये भी देखा कि आईडीजी एडवांस में कहां से रदरफोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद को मैंने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बनाया तो था, नो डाउट न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि याद है कल मैंने आपको लास्ट में एक लिमिटेशन बताई थी उसकी कि वो मैक्सवेल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, राइट? वो मैक्सवेल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एंड मतलब जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो मैंने आपको बताई थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड बात हुई, अब ये फेल हुआ तो ऑब्वियस बात है हर चीज का वर्जन एक्सटेंड जरूर होता है। लाइक मतलब पहले हमारा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर टीवी आया, फिर हमारा बड़ा बड़ा कलर टीवी आया, उसके बाद हमारा एलसीडी टीवी है, तो हर एक अपडेटेड वर्जन होते हैं किसी न किसी चीज के। वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कोई भी थ्योरी कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे सिर्फ थ्योरी ही पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ बेसिकली न्यूमेरिकल भी रहेंगे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इट्स सब फिजिकल केमिस्ट्री, तो विदाउट न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। तो रदरफोर्ड कंप्लीटली सही नहीं था। उसके बाद कौन सा आया बेटा, बोर आया, नील बोर। नील बोर ने अपना अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन नील बोर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम पढ़ेंगे जो नील बोर को समझने में हमें काफी आसानी होगी। आप बोल सकते हैं इट्स अ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके बेटा। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, ठीक है, मैं आपको हर एक पॉइंट समझाता हूँ, लिखता भी हूँ और आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन हैज अ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, हैज अ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट कैन बी जनरेटेड व्हेन ए charged particle oscillates in a magnetic field or a magnet oscillates in a इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बेटा कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव नेचर का होता है, ठीक है, और इसको आप कैसे बना सकते हो, मतलब ये मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है, सब बताऊंगा मैं, बट एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं कि इट कैन बी जनरेट कैसे कर सकते हैं हम। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैंने ऑसिलेट्स कराया किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करता है, या किसी मैग्नेट को ऑसिलेट कराया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके पहले पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था, इट हैज टू कंपोनेंट, ठीक है। अब टू कंपोनेंट कौन सा, देखो बेटा एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो नाम से पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिक भी है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला जो है मेरा पहला कंपोनेंट है इसका मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला कंपोनेंट इसका मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है मेरा, देखो जो ब्लैक से है वो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ब्लू से है मेरा, इसको थोड़ा मैं इंडिकेट कर देता हूं, देखो आपको दिख रहा होगा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ऊपर नीचे जा रहा था, एक अंदर बाहर आ रहा है, राइट, एक ऊपर नीचे जा रहा है और एक अंदर बाहर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपका हुआ ब्लू वाला आपका हुआ मैग्नेटिक फील्ड हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक है बेटा। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, ओके बेटा, तीसरा जो पॉइंट है दे ट्रेवल्ड in a
reaction where both component are perpendicular to each other, where both component are perpendicular to each other, ठीक है? कहने का मतलब जैसे कि सपोज करो अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया मेरा, और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और, तो ये इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ ईएमआर। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। तो यहां तक होप सो बच्चों आपको सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, फोर्थ पॉइंट की तरफ, ठीक है? और दे डू नॉट require any medium for traveling, that is they are energy carrier, ठीक है बेटा? ये इनको traveling के लिए कोई medium की जरूरत नहीं होती है, okay? और इसलिए इनको एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं। इसको मैं डिटेल में समझाता हूं, डोंट वरी। जैसे सपोज करो ये आपका सोर्स है, क्या है ये आपका सोर्स, और उसको जाना है टारगेट के पास, कहां जाना है टारगेट के पास, तो ये डायरेक्टली ऐसे ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि ये खुद एक एनर्जी कैरियर है। आपने देखा होगा बेटा जब गर्म लोहा रहता है, एकदम रेड हॉट जो आयरन रहता है, तो उसका जो हीट है वो हमें दूर से भी लगता है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, अपने आप एनर्जी उसका फील कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप तो से सोचो जो गर्म लोहा रहता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होने से मतलब बेटा वो एनर्जी लूज कर रहा है। एनर्जी लूज कर रहा है मतलब किस फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहा है भैया? एनर्जी दो ही टाइप, या तो वर्क होता है या तो हीट होती है। तो हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी वही हीट तो हम मतलब हमें फील होती है, तो इट मींस उसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, तो अपने आप ट्रेवल होती है, राइट? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आप देखते होंगे जो बहुत ज्यादा ठंडी जगह होती है, लाइक अगर आप कभी सर्दियों में दिल्ली तरफ या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में, वो क्या करते हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे वो रूम हीटर यूज करते हैं। रूम हीटर क्या करता है बेटा, वो एक कॉर्नर में लगा देते हैं, तो वो पूरे रूम को ऑटोमेटिकली गर्म कर देता है। ध्यान से समझना उसको, क्योंकि वो क्या दे रहा है, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहा है, वो रेडिएशन खुद एक एनर्जी कैरियर है। तो ऑब्वियस बात है पूरे रूम को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। उनको कुछ मतलब मीडियम तो रिक्वायर नहीं है, एक उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भी जाती है हीट, आपको गर्मी तो हर जगह लगेगी उस हीटर से। तो वो इट्स अ बेसिक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आई होप सो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है? नेक्स्ट थिंग जो आता है हमारा बेटा, वो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा बेटा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ऑल ईएमआर ट्रेवल्ड विथ सेम वेलोसिटी, ऑल ईएमआर ट्रेवल्स विथ सेम वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया बेटा? अब कितने टाइप की ईएमआर होता है सब मैं बताऊंगा, बट याद रखिए दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सब के सब एक ही स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और वो स्पीड उनकी कौन सी है, स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। होप सो यहां तक आपको सब बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है बेटा? अब जो हम आते हैं, ये मेरा टोटल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है? अब जो हम नेक्स्ट आ रहे हैं जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू
वेव्स, ठीक है बेटा। ये वेव्स में कैसा क्या होता है सब मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इनकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आने वाले टॉपिक्स में, इसलिए मैं आपको यहीं पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। वेव आपने देखा होगा इस तरीके से वेव होता है बेटा, ठीक है। इस ऊपर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्रेस्ट। और नीचे वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। ऊपर वाले पॉइंट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। और यहां से यहां के हाइट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ओके बेटा। यहां से यहां के दो क्रेस्ट डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं, या दो ट्रफ के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नाउ हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, या तो आप बोलते हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दो डेफिनेशन है, दोनों में बता दे रहा हूं। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। या आप इसको बोल सकते हो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ कर्व, डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये मेरे लिए क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड होता है। तो होप सो आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा पहला टर्मिनोलॉजी था रिलेटेड टू वेव, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मेरा, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है मेरी वेवलेंथ। क्या है बेटा, वेवलेंथ। हाँ, आपने थोड़ा बहुत टेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये जो टर्म होता है ना, ये इसको फिर से मैं दिखा देता हूं आपको, ये इस तरीके से इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। तो इसको बोल सकते हैं इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ, टू एडजेसेंट क्रेस्ट या टू एडजेसेंट ट्रफ के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रांग या पिकोमीटर, ठीक है। तो बेटा वन आर्मस्ट्रांग बराबर जो होता है 10^-10 मीटर होता है, या 10^-8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वन नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर होता है, या 10^-9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वन पिकोमीटर जो होता है मेरा 10^-12 मीटर होता है, या 10^-10 सेंटीमीटर होता है। तो ये चीजें आपको बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और यूनिट कन्वर्जन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे न्यूमेरिकल से बेटा ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन था वेवलेंथ का। थर्ड पॉइंट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू पढ़ते हैं हम इसको, इसको न्यू बोलते हैं। उल्टा भी इस तरीके से कर्व करके मनाते हैं। तो बेसिकली होता है क्या, इट इज अ पॉइंट वेयर, ठीक है, इसको बोल सकते हैं इट इज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ क्रॉसिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन
1 second. मतलब जैसे सपोज करो ये पॉइंट है मेरा और यहां से 1 second में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। मतलब सपोज करो इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, वेव्स मेरे पास से आ रही, 1 second में मेरे पास कितने वेव्स आएंगी वही मेरे लिए क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। यहां तक प्यारे बच्चों समझ में? कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ पास कर रहे 1 second में उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रहता है, लेट वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ इज वी मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है, आप समझो, अगर वी मीटर ट्रेवल किया वो 1 second में, 1 second में वो वी मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो अगर मैंने इसको टोटल वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया लैम्डा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वेव्स पास किए आपके पास। वी 1 second में वी मीटर वी पास किया और टोटल लैम्डा है, और यही तो फॉर्मूला होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और इन केस ऑफ, आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से भी, एक सेकंड, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं, कि मान लो 1 second में वी मीटर पर सेकंड, मतलब 1 second में वेव वी मीटर गया, वी मीटर, और अगर मैंने टोटल वेवलेंथ लैम्डा है मैंने उसको डिवाइड कर दिया इससे, तो मुझे ये तो पता चलेगा कि 1 second में कितने नंबर ऑफ वेव्स वी मीटर में ट्रेवल किए होंगे, राइट? तो मैं इन केस ऑफ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म में ये फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी वन लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है इट। ये रिलेशन बताता है मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। सी मतलब अगेन क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट है। ओके बेटा, ठीक है, अब बात करते हैं, मेरा चौथा जो पॉइंट है वो है मेरा वेव नंबर। क्या है बेटा? वेव नंबर। वेव नंबर को हम स्मॉल वी बार से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी बाकी मेरे लिए क्या होता है बेटा? वेव नंबर होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्यारे बच्चों समझो, इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन पर मीटर और पर सेंटीमीटर। मतलब वी बार को मैं बोल सकता हूं कि 1 meter में कितना वेवलेंथ प्रेजेंट है, यही मेरा वेव नंबर होता है। ठीक है, या तो ये मीटर इनवर्स होगा या तो सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा की यूनिट क्या होती है? लैम्डा की यूनिट क्या होती है बच्चों? राइट, मीटर या सेंटीमीटर होती है। होप सो यहां तक आपको चारों टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ड्यूअल नेचर ऑफ ईएमआर। देखो थोड़ा यहां पे थोड़ी स्टोरी समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। देखो एंशियंट जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जब साइंस बहुत ज्यादा आपका डेवलप नहीं था, तो कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का होता है। इनफैक्ट आपका न्यूटन खुद ये बात मानता था कि जो लाइट है वो आपका पार्टिकल नेचर का है, और आपका जो कुछ साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग टाइप के जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो लाइट है वो वेव नेचर का है। ठीक है, इसको नो डाउट बाद में जब डी ब्रॉगली साइंटिस्ट आए थे तो उन्होंने बात को प्रूफ किया था कि लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो आपका ड्यूअल नेचर शो करता है। क्या शो करता है? ड्यूअल नेचर, मतलब वो लाइट नेचर भी शो करता है, मतलब वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी। अब दो बातें होती है, उनका मानना था या तो आप एनर्जी पार्टिकल नेचर के थ्रू दे सकते हो या तो आप एनर्जी वेव नेचर के थ्रू दे सकते हो। मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने के दो ही मीडियम है, या तो आप पार्टिकल के थ्रू करोगे या तो आप वेव के थ्रू। अब आप मेरे को समझाता हूं, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ये क्योंकि इसका कुछ मास है, इसका मतलब ये पार्टिकल है, अगर ये ऐसा टकराया, सपोज करो मैंने इसको फेंका और ये टकराया यहां पे, इसका मतलब जब मैंने इसको फेंका तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, और ये काइनेटिक एनर्जी जब इसको गई तो मतलब ऑब्वियस बात है, मतलब आप बोल सकते हो ये एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, और मोमेंटम ट्रांसफर हमेशा किस में होता है बेटा? यस, किस में होता है? पार्टिकल नेचर में होता है। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं बोलो ऐसे, देखो अगर मैं ऐसा मार रहा हूं तो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है,
वाइब्रेशन हो रहा, मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट एनर्जी किस फॉर्म में गई, वेव्स के फॉर्म में गई, राइट। इस फॉर्म से फिर से दिखा रहा हूं मैं, देखो आवाज आ रही है, थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा तो नहीं गिरेगा, लेकिन आपको समझो पानी में एक पत्थर मारो, देखो वेव्स बन जाती है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी जो जा रही होगी किस फॉर्म में जा रही होगी, वेव्स फॉर्म में जा रही होगी, ठीक है। तो यही पॉइंट यहां पे आया कि ये दोनों नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑब्जर्वेशन की बात करूं मैं, तो यहां तक बात आपको सबको क्लियर हुई। तो उन्होंने क्या-क्या ऑब्जर्व किया, पहला ऑब्जर्वेशन था कि ईएमआर, ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलो, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोस रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आपको पता ही है, टेंथ में पढ़ा ही होगा। सेकंड पॉइंट है EMW शो रिफ्लेक्शन, तीसरा जो पॉइंट होगा EMW शो रेयर फ्रैक्शन, क्या होता है रेयर फ्रैक्शन। फोर्थ जो था EMW शो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन बेटा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने टेंथ में ही पढ़ा है। रेयर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि मान लो किसी किसी ऑब्जेक्ट से कॉर्नर से जस्ट कॉर्नर को टच करते हो कोई वेव रिफ्लेक्ट कर गया, उसी को हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि दो वेव्स अगर जब कंबाइन हो जाती है तो उनको हम इंटरफेरेंस, आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, बट फिलहाल के ये पॉइंट ये याद रखना कि ये चारों शो कर सकता है, मतलब इट मींस, मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये चारों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इट मींस EMW हैज अ वेव कैरेक्टर, क्योंकि ये सारे के सारे कौन शो करते हैं, वेव कैरेक्टर वाले ही ये सब शो करते हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या हुई बेटा, उन्होंने बाद में एक चीज और ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, बाद में उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, EMW कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा एक टॉपिक है, आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इसने शो किया था कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे, अच्छे से मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिटिल आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जैसे उसने क्या किया, मान लो जैसे ये कोई मेटल है मेरा, ठीक है, फोटो मतलब ऐसे मेटल जो मेटल मेरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है उसको फोटोइलेक्ट्रिक मेटल बोलते हैं, जैसे लाइक सोडियम सीजियम, सपोज करो सोडियम ही है, सपोज करो, ठीक है, सोडियम में अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे आया तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं बाहर, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मतलब बाहर जा रहा है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी से जा रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है। अब समझो बात को, ये तो भाई कैसे हुआ, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रहा है और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल रहा है, मतलब समझो आप ऐसे, ये तो आप ऐसा हो गया कि भैया यहाँ पे साइकिल खड़ी है और गाड़ी है टक्कर दी साइकिल खड़ी, तो साइकिल गाड़ी का कुछ तो स्पीड स्लो हुआ होगा, या फिर चलो साइकिल तो बहुत ज्यादा बोल दी मैंने, कम बोला मैंने, सपोज करो एक कार खड़ी है दूसरी कार स्पीड में है, उस कार को पीछे से ठोक दी, ठीक है, पीछे से ठोकने के बाद क्या हुआ बेटा कि वो गाड़ी आगे जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम का क्या हुआ बेटा, ट्रांसफर हुआ, और ये मोमेंटम ट्रांसफर कहाँ होता है बेटा, ओनली पार्टिकल नेचर में ही होता है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक फिर से अगर कोई रेस यहाँ पे पड़ती है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं बाहर, आपने रेस मतलब गया तो ये वेव का फॉर्म है, बाहर निकल रहा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ही शो करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर इज अ पार्टिकल बिहेवियर, सो EMW कैन आल्सो शो पार्टिकल बिहेवियर। तो मैं बोल देता हूं यहां पे मोमेंटम ट्रांसफर इज अ पार्टिकल
गया 100 em w show particle nature therefore em w can show both nature कौन कौन से nature show करता है बेटा yes वेव नेचर भी वो शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अब इन्हीं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पे कुछ कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ कुछ थ्योरी बनाई उन्होंने, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बोर मत होइए, अच्छे से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, ठीक है, मजे लेके पढ़िए, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं, वो बात कर रहा हूं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक जो है वो है मेरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, मेंस वगैरह में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर से, ठीक है। प्लैंक्स का क्या मानना था, ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं। इट स्टेट्स दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब पैक्ड होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा मेरी? पैक्ड होती है, ठीक है। या एंड इट also states that energy of EMW is directly proportional to its frequency, फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब क्या, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब पैक्ड है, ठीक है। अब यहां पे दो बातें हैं, ठीक है, कहने का मतलब क्या था, प्लैंक्स का क्या मानना था, सब मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। पहले मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है, और मतलब पैक्ड फॉर्म में आपको जो एनर्जी मिलेगी वो फिक्स्ड है, ठीक है। और उसने क्या बोला कि लेट द, अगर मान लो एनर्जी ई है किसी वेवलेंथ की, ठीक है, सॉरी नॉट किसी एनर्जी, वेव की एनर्जी ई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके फ्रीक्वेंसी के। तो जब ई हटाओगे तो ये होता है एच न्यू, क्या बोलते हैं हम इसको, एच न्यू बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब वेयर एच क्या है मेरा, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 10^-34 जूल सेकंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा, ये वैल्यू कभी कभी एग्जाम में नहीं भी दिया जाता तो भी आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है, समझो बात को, कि मान लो ये सोर्स है मेरा, ये मेरा क्या है बेटा सोर्स, और ये है मेरा टारगेट है, ठीक है। अब वो बोला कि यहां से एनर्जी यहां तक जा रही है तो वेव्स के फॉर्म में जा रही है, ठीक है, बात सही है। लेकिन उसका मानना था कि सोर्स से जब कोई वेव्स निकलता है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में हो रही है, किसके फॉर्म में हो रही है, पैकेट्स के फॉर्म में, और हर पैकेट की जो एनर्जी है, मतलब ये यही इसी पैकेट एनर्जी इस वाला सॉरी इसी पैकेट के पास जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी है, एच म्यू एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी फिक्स्ड है। और जो भी सोर्स से टारगेट के पास जितने भी पैकेट जाएंगे, ठीक है, वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में जाएंगे, राइट, इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल नंबर में जाएंगे, याद है। यही सेम चीज मैंने आपको मिल्कन सॉल्ट ड्रॉप में बताया था, मिल्कन सॉल्ट ड्रॉप में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 10^-19, और वो जितना भी चार्ज एसोसिएट करेगा वो किस फॉर्म में एसोसिएट, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में एसोसिएट करेगा। तो वैसे भी मान लो इसके पास जाए तो एक पैकेट जाएगा, दो पैकेट जाएगा, 3-4-5 n टाइप के पैकेट जाएंगे, और हर पैकेट्स की एनर्जी फिक्स्ड है।
इसी एनर्जाइज पैकेट को, मतलब जिसकी एनर्जी एच में हो, इसको हम बोलते हैं वन क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वन क्वांटम। क्वांटम का वर्ड यूज करेंगे, क्वांटम हम वर्ड देते हैं कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसके पास, जिसका एक पैकेट की एनर्जी एच में है, उस पैकेट एनर्जी को ही हम क्वांटम बोलते हैं। मतलब एनर्जाइज पैक्ड को, मतलब पैक्ड आप समझ रहे होंगे, उस पैकेट की जो एनर्जी, मतलब एनर्जी पार्टिकल, पार्टिकल भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, एनर्जी पैकेट को ही हम वन क्वांटम बोलते हैं। प्लूरल सब क्वांटा हो गया सर, क्या हो गया? क्वांटा, ठीक है। और इन केस ऑफ लाइट, दिस पैकेट इज नोन एज फोटॉन, राइट? मतलब विजिबल लाइट, मतलब यहां से मुझे लाइट मिल रही है, मतलब सपोज करो यहां से उस ट्यूबलाइट से जो मेरे आंख के पास जो एनर्जी आ रही है वो पैकेट के फॉर्म में आ रही है बेटा। और चाहे कोई भी लाइट हो, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, एनी लाइट, सोडियम लाइट, कुछ भी लाइट हो, वो एनर्जी जब भी मुझे देगा तो पैकेट्स के फॉर्म में देगा, क्वांटम के फॉर्म में। वही एनर्जी, एनर्जी पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं, लेकिन अगर लाइट रहा तो उसको फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन, राइट। आपको मैंने उस दिन भी बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक दिया था, अभी तक हमने मास ऑफ फोटोन एग्जैक्टली नहीं बता पाया, अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा है बेटा। तो फोटोन मेरे पास आ रहा है, और उस एक फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा? एक फोटोन की एनर्जी है मेरे पास एच म्यू, ठीक है। सपोज करो यहाँ से यहाँ एक लैम्डा है, यहाँ से यहाँ वन लैम्डा, और हर लैम्डा के साथ एक एक पैकेट एसोसिएटेड है। ये एग्जैक्टली ट्रू बात है कि हर एक लैम्डा के साथ एक ही पैकेट एसोसिएट होगा। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि एनर्जी को मैं एच सी बाय लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये तो बात समझ में, ये लैम्डा के फॉर्म में, और इसका मतलब ये जो टोटल एनर्जी रिसीव करेगा, ठीक है बेटा। चलो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसका मतलब अगर ये सोर्स से टारगेट के पास जो टोटल एनर्जी जाएगी तो वो हमेशा, मतलब कितने पैकेट जाएंगे बोलिए जल्दी बोलिए, हाँ इंटीजर पैकेट ही जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वन फोर्थ जाएगा, थ्री फोर्थ नहीं जाएगा, नहीं। तो हमेशा जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? एन एच म्यू के बराबर होगी, या ई बराबर होगा एन एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। Where n is हमेशा क्या होगा? कोई इंटीजर नंबर होगा। n हमेशा क्या होगा बेटा? कोई इंटीजर नंबर होगा। यहाँ तक बात आपको सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी बेटा, चलो ठीक है। इम्पोर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे? इम्पोर्टेंट बात ये थी बेटा कि अब यहाँ पे h की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू आपको पता है, तो जब न्यूमेरिकल वर्ड्स हम जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको बस इतना होमवर्क दे रहा हूँ, ये वैल्यू आप याद रखिएगा। मतलब H की वैल्यू होती है 6.625 10^-34 into 3 × 10^8 upon lambda, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है 19.8 × 10^-26 by lambda। अगर lambda मीटर में है तो -26, और अगर 19.8 10^-16 ये लैम्डा किसमें आ जाएगा? आर्मस्ट्रांग में आ जाएगा। चलो यहाँ तक बात आपको क्लियर। तो ये दो शॉर्ट टेक्निक्स है मेरी, जिसको मैं एसएस टेक्निक भी बोलता हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से फॉर्मूले को याद रखिएगा, बाकी चीजें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनको, इनके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, काफी अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, जेई मेंस लेवल के लिए, जेई एडवांस लेवल तक, ठीक है। होप सो यू हैड लाइक माय लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।